फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये मेरा चैनल का इंटरफेस है जहाँ पे हम डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करते हैं और हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। लाइव मार्केट में यूट्यूब पे लाइव हमारा होता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे डेली एनालिसिस के वीडियोज़ मिलेंगे और लाइव ट्रेडिंग भी हम करते हैं, तो वो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये पूरा हम जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियोस और ये डेली एनालिसिस और लाइव मार्केट में जो लेवल्स जो होते हैं वो लर्निंग पर्पज़ के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया और कल मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। और ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है। आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो ये राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसे आप स्कैन कर मोबाइल से स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। ये डेली कैंडल अगर देखेंगे निफ्टी में रिकवरी जो आया था, लगा था हमें कि ये वाला जो डेलो है कल का, ये अगर ब्रेक करेगा तो एक डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 20,973 का 76 का लो लगाया है मार्केट ने और उसके बाद में मार्केट में रिकवरी आया है। जो सोच रहे होंगे कल इतना बड़ा फॉल हुआ है, आज भी ज़्यादा फॉल हो जाएगा, तो बहुत सारे यहाँ पे पुट जिन्होंने भी बाय किए होंगे वो ट्रैप हो गए होंगे। तो चलिए, ये जो कैंडल है अभी तक ना ज़्यादा बुलिश भी है और ना बेरिश है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट्स में। एक बार देखते हैं हम क्या कंडीशन है और कौन से लेवल कल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये जो फॉल हुआ था, ये जो रिकवरी आई है, ये वाला जो लेवल है 21,280 या 85 का पकड़ के चल सकते हो, ये जो है ये इस फॉल का 50% का रिकवरी है। इसके ऊपर मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग दिया नहीं है, तो अभी तक हम मार्केट को बुलिश नहीं बोल सकते। अगर कल मार्केट यहीं पे ओपन होता है और इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम फर्स्ट टारगेट जो हमारा ऊपर साइड के लिए रहेगा वो रहेगा 21,365 का। ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है कल के लिए। और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, मार्केट बुलिश साइन अगर दिखाता है, तो 21,482 ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है कल के लिए। और थर्ड टारगेट जो है ये वाला जो ऑल टाइम हाई जो है ये वाला हमारा फाइनल टारगेट रहने वाला है कल के लिए 21,588 का। जो ये वाला लेवल है हमने परसों के वीडियो एनालिसिस में ही बोल दिया था कि ये वाला टारगेट आने वाला है, जो कि अचीव हुआ है हमारा। और एग्जैक्टली अगर देखें तो मार्केट ने वही से फॉल देना स्टार्ट किया था और ये जो कल फॉल हुआ था। और कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बोला था कि कल का जो स्ट्रैटेजी, मतलब आज का जो स्ट्रैटेजी रहेगा, ये अगर डेलो ब्रेक करता है तो एक नीचे की डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम बनेगा कम से कम 100 पॉइंट के लिए। तो उतना तो मार्केट ने दिया नहीं। जो लेवल था हमारा 20,950 का जो लेवल था, वो उससे थोड़ा सा पहले ही मार्केट पलट गया था यहाँ से, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिकवरी सुबह से दिखाया था। हालांकि बैंक निफ्टी ने पूरा वी शेप रिकवरी दिया है, बैंक निफ्टी से भी अच्छा रिकवरी बैंक निफ्टी में आया है, तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट कल ये लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है मार्केट तो अपर साइड के लिए ये ऊपर के टारगेट बनेंगे। और अगर गैप अप होता है 360 के 21,360 या 65 के अबव अगर निकलता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये वाले टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं कल के लिए, ये ऊपर के दो टारगेट अगर गैप अप होता है। तो अगर गैप डाउन होता है मार्केट अगर गैप डाउन होता है और 21,100 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है सीधा, अगर समझो यहाँ पे 21,100 के आसपास अगर ओपन हुआ गैप डाउन, तो हम फर्दर नीचे की साइड लेवल देख सकते हैं, जो कि ये गैप फिलिंग जो था हल्का सा थोड़ा सा बाकी है फील करना, ये भी हमारे आने वाले टारगेट हो सकते हैं कल के लिए, जो कि है 20,950 का। और उसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो नीचे के लिए भी हमने टारगेट्स मार्क करके रखे हुए हैं, जो नीचे की साइड के टारगेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार।
क्योंकि ये टारगेट्स भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट अभी तक निफ्टी जहाँ तक दिख रहा है अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, जो 50% के आसपास आके रिकवरी करके क्लोजिंग दिया है, लेकिन सिर्फ 50% के ऊपर अभी तक निकला नहीं है। तो नीचे की साइड ये 20,813 का भी ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। ये लेवल जो है आप मार्क करके रख सकते हैं कल के लिए। तो चलिए, ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का के। तो बैंक निफ्टी समवेयर यहाँ पे कहीं पे ये 50% का लेवल था, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने डाउनफॉल भी दिया, उसके बाद में जो शॉर्ट कवरिंग आया तो मार्केट ने एकदम वी शेप रिकवरी आज दिखाया है बैंक निफ्टी ने। हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे गया था, जो कि हमारा ये लेवल था 46,980 का, उससे भी थोड़ा नीचे गया था मार्केट। उसके बाद तुरंत ही बाइंग हैपनिंग हुआ मार्केट में और मार्केट ऊपर ही निकलता गया, जो स्लो एंड स्टडी जो था मार्केट ने वी शेप रिकवरी दिखाया है। और 50% के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया, थोड़ा सा नीचे भी आया, सेलर्स ने कोशिश की नीचे लाने की, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने सीधा ही अपर साइड का रैली दिया है। अभी बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है, अगर लॉन्ग्स करने हैं मार्केट के लिए, तो 48,000 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। ये जो लेवल है 48,000, यही ये जो लेवल है इसी के ऊपर लॉन्ग्स बनेंगे कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और सीधा ही 48,000 के आसपास या ऊपर खुलता है, वहाँ पे फ्रेश प्राइस एक्शन जो बनता है, तो उसी हिसाब से हम अपर साइड के लिए लेवल्स मार्क करेंगे लाइव मार्केट में। अगर 48,000 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है गैप गैप डाउन गैप अप होके, तो 48,163 ये हमारा टारगेट होने वाला है, ये फर्स्ट टारगेट। उसके ऊपर अगर ऑल टाइम नया हाई बनाता है तो लाइव मार्केट में हम अपडेट दे देंगे, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग दिख रहा है तो काफ़ी बुलिश क्लोजिंग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी तक 50% के ऊपर नहीं निकला है, एग्जैक्टली 50% के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी को हम कल के लिए बुलिश देख सकते हैं, और निफ्टी जो है अभी तक हमारे लिए बुलिश नहीं हुआ है। 50% के ऊपर अगर निकलता है तो हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए 50% के ऊपर। और बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है 47,580 या 90 के आसपास, या 47,600 के आसपास अगर गैप डाउन होता है और यहाँ से मार्केट फिर से ये 51% का जो लेवल है इसके नीचे अगर निकलेगा, तो फिर ये वाले नीचे की साइड फिर से एक बार टारगेट हो सकते हैं, जो कि है 47,450 का, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। 47,239 ये सेकंड टारगेट रहेगा, और ये जो आज का डे लो था ये वाला हमारा रहेगा थर्ड टारगेट, जो कि टेस्ट हो सकता है। तो ये था एनालिसिस, डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको लेवल्स अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करो कर सकते हो। और ये जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, उसे आप मोबाइल से स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।